हैदर रशीद को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र की, हमारे इलाके की महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो इस पद पर उनको नहीं रहना चाहिए। विधायक जी के समर्थकों ने जिस तरह से सड़क पर तांडव किया, आज आपने समाजवादी पार्टी के आपके ऑफिस में मध्यवर्ती कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है, क्या सब्जेक्ट है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट यही है कि आज जो मुमरा का माहौल बिगाड़ा गया है, अच्छा, जिस तरह से लाइन ऑर्डर को की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, मरीज एम्बुलेंस में फंसे पड़े थे, सारे लोग परेशान थे, जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं नौकरियों पे जाने वाले, आज कहाँ से किसे कहाँ से खाएंगे पिएंगे जो डेली कमाते हैं और खाते हैं, ये सब सारी समस्याओं को, आवाम की जन समस्या को लेकर के आज हम आपको बुलाए हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करके लोग जो माहौल बिगाड़ रहे हैं। और जो भी कांड इससे पहले अभी हुआ है, जिस पे मामला हो रहा है, जो प्रकरण हुआ है ब्रिज उद्घाटन में, जिस तरह से महिला मॉलेस्टिंग का केस आया है और उन्होंने कहा गया कि आमदार साहब ने किसी को धक्का दिया है या जो भी छेड़खानी का मुकदमा कायम हुआ है उनके ऊपर, मैं कहता हूं कि आमदार साहब को एक तो पहली बात, वो हमारे सब महिला या पुरुष सारे लोगों के वो एक गार्जियन की तरह है, उनकी एक मर्यादा है, सामने महिला हो या पुरुष हो, लेकिन अगर महिला है तो उनको इस हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनका व्यवहार अच्छा नहीं था, अच्छा। इसकी हम निंदा करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल उनके व्यवहार के हम समर्थन में नहीं है। तो बीजेपी की रीना रशीद ने जो उनके खिलाफ शीलभंग की शिकायत दर्ज कराई है मॉलेस्टेशन से, तो उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, लेकिन एक चीज उसमें हम जोड़ रहे हैं, हाँ। कि उस चीज को बारीकी से जो हमारे साइबर क्राइम के लोग हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन की कमेटियां हैं, वो उसको जांच करें, प्रकरण की पूरे जांच करके अगर दोषी होते हैं तो जिस तरह से एक आम आदमी को सजा होती है, एक आम आदमी को जेल भेजा जाता है, उसी तरह आमदार साहब को भी जेल जाना चाहिए। रीना रशीद पर भी छठ पूजा के दौरान जो वहां पर एक वीडियो सामने आई थी, बहस हुई थी उन लोगों में, उस वीडियो को लेकर भी एट्रोसिटी का मामला पार्टी की तरफ से दर्ज कराया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब पलटवार रीदा रशीद पे भी मामला एट्रोसिटी का से मैं तो समझता हूं कि जुड़ा हुआ केस है। हाँ। रीदा रशीद को लगातार टारगेट किया जा रहा है, या जैसे भी जो भी उनके सामने खड़ा होता है, जो इतिहास रहा है विधायक जी का, जो इतिहास रहा है कि कोई भी अगर ताकत बनाता है, खड़ा होता है उनके सामने, उसको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, चाहे वो रीदा रशीद हो या इसके अलावा कोई और रहा। अभी MIM के अध्यक्ष को आपने देखा क्या क्या किस तरह प्रताड़ित किया गया, हम लोग अभी आए हैं मैदान में उतरे, हो सकता है कि हमारे खिलाफ भी कोशिश की जाए, लेकिन अगर उन्होंने त्यागपत्र देने का फैसला किया है जैसा कि मीडिया में चला है, तो मैं तो ये तो कहता हूँ कि उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस तरह, अगर वो हमारे क्षेत्र की, हमारे इलाके की महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो इस पद पर उनको नहीं रहना चाहिए। शुरू में आपने कहा कि जिस तरीके का आज माहौल बनाया गया शहर में, तो क्या मतलब स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे कि किस पर आपका आरोप है कि क्या माहौल बनाया गया, शहर के नागरिकों को, शहरियों को क्या दिक्कतें हुई, उस पर आप खुलासे से क्या बताएंगे? हम ये साफ साफ बता रहे हैं कि एक प्रकरण को लेकर के विधायक जी के समर्थकों ने जिस तरह से सड़क पर तांडव किया और उस पर रोड जाम किया, बवाल किया, तोड़ फोड़ किया, और जो है हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे, मैं दिन में देखा कि गार्जियंस बच्चे अपने, वो हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को पैदल ले जा करके कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा उनको, जिन लोगों को ट्रेन पकड़ना थी उनको कैसे वो लोग मैनेज किए, कैसे कितने पहुँचे कितने नहीं पहुँचे, सारी दिक्कतें हुई, सारी परेशानियाँ हुई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि लाइन ऑर्डर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हम सब पर है। जैसे आपका कहना है लाइन ऑर्डर को जो है पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जी, बिल्कुल, तो थाने पुलिस आयुक्त और उनके तमाम जो आला अधिकारी है, तो इस पर उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गया था थाने में उन्हीं से मिलने के लिए, मैंने पुलिस स्टेशन में हमारे जनरल सिक्योरिटी निज़ाम शेख, हम लोग गए थे मिलने के लिए वहाँ, कि वहाँ के प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिल करके पूछें कि आखिर आपने ये सब देखते हुए, इतना भीड़ सुबह से चल रही, इतना बवाल चल रहा है, तो अतिरिक्त फोर्स क्यों नहीं बुलाया? अतिरिक्त फोर्स अगर आई होती तो ये सब कंट्रोल कर लिए, फोर्स लेट आई तब रोड चलना शुरू हुआ, उनकी भी लापरवाही है, पुलिस की भी लापरवाही, बिल्कुल पुलिस की भी लापरवाही, ये उनकी ही जिम्मेदारी बनती है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना।